नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, वही टॉपिक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो हमारे प्रदीप कौशिक सर हैं, हमारे बड़े भाई, उन्होंने ग्रुप क्यों छोड़ा। ये क्वेश्चन है अपने आप में, और हालांकि मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे साथी हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ऐसी महिला कैंडिडेट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन के लिए ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो उनके मेरे पास कल कॉल्स मैसेजेस आए। और हालांकि उन्होंने प्रदीप कौशिक को भी सर को भी कॉल करे थे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने भी कॉल किया था, लेकिन अभी बात हो नहीं पाई है सर से। और इसके बाद बहुत सारे साथी मेरे पास कॉल्स कर रहे थे, सुबह भी मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे। तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारे प्रदीप सर ग्रुप से आ गए। हालांकि देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों के लिए ग्रुप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ जरूर हुई होगी मुझे जो लगता है। हालांकि मैं बात करूंगा इसके रिगार्डिंग। और वैसे सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि ग्रुप्स वगैरह ये सब, और ये सब जो ग्रुप वाली चीज़ें होती हैं, बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में जो कोई काम कर रहे हैं, मुझे पता है जो प्रदीप कौशिक सर हमारे बड़े भाई कितना काम करते हैं, और परिवार के अलावा मतलब बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके अलावा वो बच्चों को अपना परिवार समझ के बहुत मेहनत करते हैं, शायद मुझसे अच्छी तरह आप लोग नहीं जानते। सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं, दिन में कई कई आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं, और जब आपके हक की बात होती है तो वो सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कारण है, वो क्यों आए हैं, और हम भी वो जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे। और इसके बाद मुझे जो लगता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह सही हूँ, लेकिन कल उन्होंने एक वीडियो तो बनाई थी, और बीच में उस वीडियो को उनको डिलीट भी कर दिया, मुझे दिख भी नहीं रही वो चैनल पे। और अब देखते हैं क्या कारण था इसके रिगार्डिंग। मैं प्रदीप कौशिक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इन बच्चों को जवाब दीजिए, क्या कारण था। आप लोगों के पास कॉल्स मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जवाब दीजिए और बच्चों को बताइए कि क्या कारण था जिस वजह से आपने ग्रुप को छोड़ा। हालांकि ग्रुप आप लोगों आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे हताश होते हैं, निराश होते हैं कि जो मसीहा उनके लिए काम कर रहा है एकदम वो ग्रुप से आ जाता है। तो ऐसे में ज़रूर बताइए। हालांकि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आए, तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठता है कि एक बार वीडियो ज़रूर बनाई जाए। तो जो TGT वाले कैंडिडेट्स हैं, फीमेल रिलैक्सेशन वाला ग्रुप था, तो उस ग्रुप में सर थे, एक्टिव थे, लेकिन क्या कारण रहा कि सर वहाँ से आए हैं। और अगर किसी को लगता है कुछ और भी कारण है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। और इसके बाद प्रदीप सर, तो मैं जब भी मेरी बात होगी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एक वीडियो बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, और यही मैं बताना चाहता था। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।